अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक मैजिक अपनी ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीसी चूल्हे को साफ़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिलाई मशीन का ऑयल। कोई दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, बस सिलाई मशीन का ऑयल। 10 रुपये का, 20 रुपये की बॉटल, इतने का आता है, हार्डली बहुत सस्ता मिलता है ये, बहुत ज़्यादा चीप होता है। तो बस इसको डाल के 5 से 10 मिनट रख देना है हमें, जब थोड़े से स्ट्रेंथ जो है वो भीग जाएँ इस ऑयल में। इसके बाद स्कॉच ब्राइट लेके अच्छे से रगड़ लेना है। कोई दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करनी, मैंने कोई दूसरी चीज़ यूज़ नहीं की। इसको अच्छे से साफ़ करके बस एक सर्फ का कपड़ा मार देना है। जैसे दूसरे चैनल्स पे लोग बताते हैं कि काला तेल और सिरका और जी खाने का सोडा, इसमें कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिलाई मशीन का तेल लगाएं और आप आजमाएं कि कितनी अच्छी ट्रिक है ये। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर बस ऑयल का भी हो रहा था, ऑयल लगाया हुआ था मैंने इसमें स्टोव में, और मैं रगड़ती भी जा रही थी और एक हाथ से मैंने कैमरे को भी होल्ड किया हुआ था, तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो को कैप्चर कर लिया। क्योंकि ये ऑयल है ना, तो हाथ सारे ऑयली हो गए थे, लेकिन इतनी ये कोई कमाल की ट्रिक है, इतनी अच्छी है कि आप इसको यूज़ करेंगे ना, जब जब आप इसको क्लीन करेंगे सिलाई मशीन का ऑयल यूज़ करके, तो आप मुझे दुआएं देंगे। इतनी अच्छी ये टिप है कि देखें, माशाल्लाह से यहाँ पर सिर्फ एक सर्फ का कपड़ा मारा है मैंने सिलाई मशीन का तेल से साफ़ करके, और कितना माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया। लग रहा है ये वही चूल्हा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो बस मुझे दुआओं में याद रखना है आपको, आप लोगों ने, और मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।